सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है हमारी MT और अपाचे 160 और इन दोनों के ओनर भी हैं अपने साथ। तो अपन कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी है। तो उन्हें दोनों के ओनर है तो अच्छे से बता पाएंगे कि किस गाड़ी में क्या कमी है, क्या अच्छी चीज है। तो ये है अपना आयुष भाई और ये है आदर्श, जिसको तो आप हर वीडियो में देखते ही होगे, और ये है मिस्टर खामखा। मैं खामखा। चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है प्राइस सेगमेंट। तो ये कितने में पड़ी थी तुम्हें? 180-190 के बीच में ऑन रोड। अच्छा, इंदौर में, ये इंदौर की, ठीक है। और तेरे को कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? मेरे को ये गाड़ी पड़ी थी 148 की ऑन रोड। तो फिर यार इसके हिसाब से ये तो काफी मतलब कम की है, तो तेरे को ये महंगी नहीं लगती? पैसे के बोलता है यार, जो चीज महंगी है वो अच्छी तो होती है, ये बात तो साफ है। अच्छा, पावर है, हाँ। चाहिए अपाची कहाँ उसके सामने। अरे आदर सारे ऐसा बोल रहा है यार, ये तो भाई गाड़ी को हमने सब कुछ सोच के लिया है ना। अच्छा, हमने पारिवारिक गाड़ी ली है। नहीं, हमने देखो 160 सीसी भी ली, इससे 10 सीसी ज्यादा है, भले पावर कम है, ठीक है। और हमारी जो सीट है वो इससे, सीट का आप सीट का कंपैरिजन करके देखो। हाँ, तो सीट कंफर्ट में तो मैं भी मानूंगा कि अपाचे की सीट थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है और कुछ नहीं है, इसकी थोड़ी हार्ड टाइप की है। तो यार आयुष काउंटर अटैक कर दिया आदर्श ने। तो एग्री करूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं फिर भी। और आयुष इससे पहले ब्रेकिंग पे जाए तो मैं ब्रेकिंग की बता दूं कि डुअल डिस्क अवेलेबल नहीं थी, मेरे को उसी दिन गाड़ी लेनी थी, नहीं तो मैं भी डुअल डिस्क लेता। हाँ, इस बार ये बहाने तो यार नहीं, ये बहाना नहीं जम रहा है। बाइक तो सिर्फ MT है, उसके अलावा MT कहाँ बाइक, जो बाइक है देखो देखो इधर आओ। तेरे को अच्छा महंगी नहीं लगती ये गाड़ी तेरे हिसाब से? हाँ मतलब है, मतलब ओवर प्राइस तो नहीं है, प्राइस तो सही है गाड़ी का, पावर है उसमें, मान रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देखो ना। हाँ, ये देखो, ये देखो 180,000 की गाड़ी में देखो जे दिया है। हाँ, जे? ये चीज ये देखो, इस साइड देखो, अजीब सा दे दिया, ऐसा लग रहा है सिर्फ प्लास्टिक दे दिया। और जे भी अपना पैसा लगाकर भी थोड़ा बहुत काम करवा सकता हूँ। नहीं तो हमारी नहीं करना, हमारी गाड़ी में कंपनी ने पैसा लिया है तो कुछ दिया नहीं है इसकी गाड़ी में, मतलब ये थोड़ी सी अच्छी है फिनिशिंग के मामले में, और उसमें भी ये गाड़ी थोड़ी सी साफ सुथरी टाइप की है, और उसका मतलब थोड़ा सा ऐसा बेकार सा काम है वो वाला। यहाँ गाइस 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 थोड़ी प्रीमियम चीज देखिए, ये गाड़ी की चाबी, चाबी तो भाई चाबी दिखाओ यार, देखो इस चाबी मतलब ये पुरानी कट वाली चाबी आ रही है, और उसमें ये नई जो अच्छी गाड़ियों में भी आती है। तो चाबी चाबी के मामले में क्या बोलोगे? अंडरवियर कौन देखता है, ऊपर के ही कपड़े देखते हैं। क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना है यार, चाबी अंडरवियर थोड़ी ना है, चाबी तो सामने लगती है, बनियान भी कह सकते हैं चाबी को। तो भाई बनियान भी कौन देख रहा भाई, क्यों नहीं देख रहा? मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि चाबी अगर ऐसी हो तो चल भी जाएगा, कौन देखता है ऐसा ज्यादा। देखता है भाई, बाइक देखो क्या सेक्सी बाइक है, कहां ना लग रही है कुछ उसके सामने, ऐसी पछाड़ दे चाहे तो एक बार में इसको। ड्रैग रेस हो चुकी है, ड्रैग रेस का रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा वेट करें आप जरा। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मेरे हिसाब से मेरी गाड़ी अच्छी है। अच्छा, तेरी गाड़ी में तेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज है क्या क्या लगता है? तो तीन लोग बैठ सकते हैं। हाँ, मुसीबत में जो कि तुम बैठालते नहीं हो। हाँ, हम नहीं बैठालते। और हमारी गाड़ी की लाइट इससे तेज है। हाँ, अच्छा, इससे लाइट तेज है। राइडर अच्छा हो ना तो लाइट वाइट की जरूरत रात को भी नहीं पड़ती। आँख बंद करके भी चला सकता हूँ बाइक पे, इतना भरोसा है। अरे ले, और बोलो, चलो आँख बंद करके चलाने वाले राइडर निकले मुझे बताएंगे कि देखो भाई, मान के चलो ठीक है, वो कह रहा है कि वो मॉडिफिकेशन बाहर से भी करा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने 180,000 रुपए लिए हैं तो कुछ तो देती। हाँ, मैं कहता पावर दिया है। हाँ, तो प्लास्टिक तो कुछ ही नहीं दिया उसमें। अच्छा, पैसे देता कौन है? नहीं, प्लास्टिक मतलब वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये सही देने थे मतलब। ये तो मान सकते हैं कि थोड़ी अच्छे दे सकते थे ना। देखो हमारे मिरर में थोड़ी कार्बन फिनिश सी है जी, पिंपल से दे दिया और यामा और लिख दिया। अच्छा, यामा की और क्या एडवांटेज है तेरी गाड़ी का? प्लास्टिक की अगर तेरे को प्लास्टिक खरीदना है तो कबाड़ से लेके। हमारी गाड़ी में हमारी गाड़ी में लेग गार्ड दिए हैं, इसे गाड़ी में लेग गार्ड ही नहीं दिए। अरे हाँ यार, अगर टिक जाए तो भाई गिर जाए आदमी तो। आयुष ये बात तो सही बात है, लेग गार्ड तो होना चाहिए, कभी गलती से गिर जाए। दूसरी चीज मैं कहता है इसमें सेकंड पिलियन राइडर बैठता भी है, ठीक है। हाँ, रुकता कहाँ है? हाँ, वही अब एकदम से गाड़ी भागेगी, ज्यादा पावर भी बेकार है ना, एकदम से गाड़ी भागेगी तो कहाँ पकड़ेगा, इधर तो पकड़ेगा नहीं जाए। तो भाई पकड़ने का तो चलो कि ये दिए हैं ग्रैब हैंडल्स इसमें पीछे दिए, पर यहाँ खसक गया एकदम से, तो रुकेगा कहाँ, और जे टूटा और फंस जाएगा। पहली बार तो बैठता नहीं है, बैठती है तो वो आगे पकड़ के बैठती है। पारिवारिक वीडियो बनाते हैं हम।
चलो तो आगे बता। कुछ नहीं है हमारे में डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, इसके में सिंगल बैरल है जी। नहीं पर आवाज का तो क्या बोलोगे, आवाज की तो मेरे को इतना पता है, इसकी रिफाइंड आवाज है और इसकी थोड़ी रॉ है, पर इसकी थोड़ी लाउड है, उसकी थोड़ी स्लो है, ऐसी ही आवाज। युवराज बताएगा, बताओ। और एक और चीज, चलो ठीक है, एमटी में बात है, बात एम टी रोज 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 अपाचे चला रहा है पर एम टी क्यों कर रहा है। देखो 1,80,000 में इसमें कोई से मोड नहीं, मोड तो ये तीसरी चीज गिना दी आदर्श ने अपनी गाड़ी की, अच्छी की इसमें मोड्स भी मिल जाते हैं। तुम भाई क्या जिसको करोगे, स्पोर्ट मोड में लगा के भागना उसको, फिर भी नहीं तो फिर भी ठीक है, फिर भी धीरे भागती है, स्पोर्ट मोड में लगाकर तुम करोगे क्या, चलो ठीक है। तुमने अपने परिवार के पीछे कोई सदस्य को बैठा ला, एकदम से होना नाम दिया, पीछे वो गिर गए, फिर मेरे पास अर्बन है उसके लिए, इसमें अर्बन मोड में चलाओ तो बढ़िया पीछे वाला गिरेगा नहीं क्या। और एक और मेरे को अच्छी चीज लगती है अपाचे की, अपाचे एक ऐसी गाड़ी है जिसको आदर्श के पापा भी चला सकते हैं, आदर्श भी चला सकता है, कोई छोटा वैसे भी चला सकता है। एमटी एक ऐसी गाड़ी है जिसको लड़कों के ऊपर वो ज्यादा सूट करेगी, बाकी फैमिली वाले अगर चलाए तो नहीं, वैसे ये कलर तो भी एक बार चला सकते हैं, पर एमटी में जो और भी कलर आते हैं वो तो चलाने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ मतलब इसका तो ये है कि इसी को चलाना है जे। नहीं, और पीछे अगर कोई लेडीज़ों को बैठा लें तो मतलब एक बार इसमें सोचना पड़ेगा, उसमें सोचना नहीं पड़ता। हाँ ये भी है। अब आयुष तुम बताओ अपना कोई एडवांटेज इस गाड़ी का। सबसे पहला पॉइंट, हाँ 150 cc, हाँ टायर देखो भाई, ट्रक जैसे टायर है, घुरते नहीं घुरेंगे, कितना भगा लो कितना ड्रिफ्ट मार लो, ये देखो 160, ये साइकिल के टायर टायर प्रोफाइल इसकी कम है, मतलब इसके टायर चौड़े कम है, इसके 110 80 17 है और इसके हैं 140 70 आर 17, तो मतलब इसके जो टायर है ना वो उससे काफी ज्यादा चौड़े हैं, तो उसमें तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी बनी रहती होगी। टायर आयर से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अरे नहीं यार, स्टेबिलिटी का पड़ता है। नहीं तो हमें, नहीं तो भाई हमें स्टंट थोड़ी ना मारना है उतने मोटे टायर में, तो हमें स्टंट मारना है। चलो अब बता, जो दूसरा एडवांटेज बता दो। सबके अपना अपना नजरिया है, मेरा नजरिया सबसे प्यारी गाड़ी है, अगर ये लड़की होती तो मैं तो शादी कर लेता। भाई लुक्स के मामले मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर आयुष के हिसाब से उसकी गाड़ी का जो लुक है वो उससे बेटर है। और तुम्हारे हिसाब से एक चीज कहना चाहूंगा कि एमटी में जो रेडिएटर दिया है वो हमारी गाड़ी से अच्छा दिया है, ये मैं मानूंगा। हाँ रेडिएटर मतलब इसका थोड़ा बड़ा सा है और उसका बिस्किट के पैकेट जैसा है। तुम बता अच्छा लुक्स में कौन सी अच्छी है, जनता का ओपिनियन। लुक्स में मेरे हिसाब से भी मतलब ऐसा है कि MT15 ऐसे ज्यादा लड़कों ही वाली गाड़ी है। क्या कह रहा है, अपाचे पसंद है, कान में आके कह रहा है अपाचे पसंद। तीसरा एडवांटेज मेरे हिसाब से इसकी लाइट है भाई, लाइट मतलब इसकी देखने में प्यारी लगती है। ये सामने इसके DRL रात में देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं और ये यहाँ पे एक प्रोजेक्टर दे रखा है तो सामने से काफी अच्छा ऐसा रोबोटिक टाइप की लुक आती है इसकी। हमारे DRL लाइट है कि नहीं है, तो अच्छी इसकी लगी नहीं लगी। अगर लुक वाइज देखा जाए तो बढ़िया लाइट है, लेकिन लाइट हमारी तेज है, ये तो हम शर्त रखते हैं। थ्रो तेज है तुम्हारी गाड़ी का। हाँ तो इतनी तेज चलता है कि आसमान से होगा। माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज मेरे हिसाब से लगभग एक एक है दोनों का, है ना, 35-40 का ये देती है, 35-40 का ये माइलेज देती है, तो उसमें तो कोई कंपैरिजन ऐसा है नहीं कि बस फर्क एक है कि अर्बन मोड में चलती है तो 35-40 का दे देती है, ये नॉर्मल मोड में चलने में भी उतनी माइलेज निकाल देती है। वाइब्रेशंस नहीं होती है, गाड़ी वजनदार है इससे, इसलिए हमें लगता है ड्रैग रेस में हार गई। और जैसे जब से पावर की बात कर रहे हैं तो ये पावर प्रोड्यूस करती 14.7 NM का और ये करती 14.1 NM का। BHP में देखा जाए तो इसका ज्यादा है, ये 17 BHP है, ये 18 BHP है। और अब बात कर लेते हैं अपन टैंक की कैपेसिटी की, तो टैंक कैपेसिटी में क्या कहना चाहोगे यादव। टैंक कैपेसिटी में जो 10 लीटर का टैंक है यार, हमारा है 13 लीटर का, 13.5 लीटर का, 3 किलो भी अब जितना भी एवरेज देती है उसमें उतनी ज्यादा चलेगी। अब कहीं लंबे में जा रहे हैं तो टंकी लेके थोड़ी ना जाएंगे पेट्रोल की, एक अलग से 10 लीटर बहुत है अपने लिए, पर्याप्त है। क्या छोटे मोटे टूर मारते हैं हम, जबलपुर से इंदौर, इंदौर से मुंबई। तो भैया इसको बड़ा बड़ा टैंक चाहिए। और एक और चीज शायद आयुष को याद नहीं आ रही तो मैं दिला देता हूँ, इसका लिक्विड कूल्ड इंजन है और इसका नॉर्मल है, इसमें कोई कूलेंट वूलेंट नहीं डलता। इतनी सारी खासियत है, क्या क्या गिनाएंगे अब इंसान को, कूल्ड वूल्ड का करना है। हमारी गाड़ी ऐसे ठंडी रहती है, हमारी गाड़ी क्या 10 मिनट का ब्रेक देंगे फिर सन चलेगी। एक एडवांटेज और याद आया है। हाँ क्या, 6 गियर भाई। अच्छा 6 गियर है भाई इसमें और इसमें 5 गियर है ना, आदर्श जे तो भाई है बात। हाँ जे तो नहीं, मतलब बात ऐसी नहीं है, लेकिन इसमें 1 गियर की कमी खलती। हाँ जैसे मैंने भी दोनों चलाई है तो इसमें 1 गियर की कमी लगती है और उसमें 6 गियर है। हमारी गाड़ी के जो इंडिकेटर है ना वो इससे तो साझे ही है, मतलब अच्छे है, मतलब भले ये हेलो जाने पर सेफ के मामले में ये ऐसे लग रहे हैं किसी जानवर के कान लगा दिए। अरे यार आयुष का, उसका अल्टरनेटिव आयुष ने ढूंढ लिया है, जो देखो पीछे LED इंडिकेटर लगवा लिए हैं आयुष ने। हम भी
नंबर लगवा के एलईडी लगवा लेंगे तो मतलब उसके इंडिकेटर थोड़े ज्यादा अच्छे देखते हैं देखने में, बाकी है दोनों हैलोजन ही है। बताओ इनने इधर देखो, इनने जो ये लाइट दी है जिधे वो कहाँ मतलब इसके ऊपर दी है जे लाइट रहती है कि नंबर प्लेट देखे, देखो कहाँ दी है हमारे में लाइट, देखो बिल्कुल नंबर प्लेट के ऊपर उसकी लाइट इतनी ज्यादा है ना, तब जला कर देख लो ये, चाहे वो आसमान में भी कर दे तो भी उसकी लाइट दिख जाएगा। क्या कंपनी ने इसमें इंजीनियरिंग करी है। मेरी गाड़ी में डिसएडवांटेज नहीं, कोई नहीं है। अब वो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे अगर उनको पता होगा तो। और तुम बता तुम्हारी गाड़ी के डिसएडवांटेज। हमारी गाड़ी के डिसएडवांटेज वो तो उसने बता दिएगा, बाकी हमारी गाड़ी के डिसएडवांटेज में यही है कि अगर इससे कंपेयर करें तो पावर का डिफरेंस है। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसका जो स्पीडोमीटर है ये थोड़ा येल्लो येल्लो टाइप का दिखता है, तो देखने में रात में थोड़ा उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और इसका ऐसा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और काफी बड़ा भी है। हाँ, और इसके में गियर इंडिकेशन भी है। क्या बोलना चाहोगे आखिरी में? विनर तो साफ साफ एमटी है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि मतलब जिस भाई स्पेसिफिकेशंस देख के गाड़ी नहीं ली जाती, गाड़ी कुछ रीजंस की वजह से भी ली जाती है कि नहीं। अब हमने सोची कि परिवार वाले भी चला सकते हैं, परिवार वाले भी नहीं, नहीं पर ये तो गलत बात है, तुम रहते तो परिवार से अलग हो, यहाँ तो कोई नहीं है तुम्हारा परिवार वाला। बात तो यही है ना भाई, यहाँ ये हम लोग के साथ रहता है, यहाँ कोई परिवार वाला है नहीं, तो कौन परिवार वाला चलाने वाला है यहाँ? तुम सब बता दो हम कहाँ क्या रहते हैं। आप अपनी बाइक इंदौर में लेकर बैठे हैं, आपके फैमिली वाले जबलपुर में है, तो बात क्या हुई है? इधर देखो, और आप परिवार का बहाना ले रहे हैं। हमारे में सुपर मोटो ए भी है, इसके में सिंपल ए भी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। तो इस वीडियो को फिर अपन यहीं खत्म करते हैं, और विनर तो अब कोई डिसाइड कर ही नहीं सकते, दोनों भाई अपनी गाड़ियों का वो कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कर लेना विनर डिसाइड। फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दो, हम खा बाय कर दो आयुष।